मैं इसलिए नहीं जा रही थी बुआ जी, मुझे पता था ये डरती है बॉक्सर से बहुत ज्यादा। देखो भाई दीपशिखा कैसे डर रही है बॉक्सर से, और हमारा छोटा सा निशांत नहीं डर रहा। बॉक्सर को नहीं देख रही है, गंदी बच्ची है ये। जा जा तू बॉक्सर को प्यार करके आई हो, जाइयो चलियो चल आ चलो चल देख आ जाओ। लगा लिया, एक बार और करके दिखा दे। दीपशिखा डर रही है, जा तू भी जा, तू भी दिखा जाइए। निशांत आप भी लगाओ, लगाओ दीपशिखा डरती है। अब डर रही है दीपशिखा, दिखाइयो, रो रही है। हाँ अच्छा लग रहा होगा भाई इसको, है ना। रोने लगी। ये पेड़ देख लो किस चीज का, ये देखने के लिए। रहने दे, जब डर लग रहा है तो क्यों जा रही है, हिम्मत कोशिश तो कर रही है। निशांत निशांत लिया, निशांत इसको बाहर लिया, लिया बाहर इसको। आज बॉक्सर हाँ दीदी बैठ गई, दीदी के पास लिया। फ्रेंड्स कल हम अपनी बुआ जी से मिलने गए थे, वो यहीं पे आएंगे थे हमारे घर, जो मेरी चाची सास है वो उनका घर है, और हम उनके घर उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। वो बहुत अच्छी हैं और मेरे बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय करा कल वहाँ जा कर के। वो बॉक्सर है हमारी, मेरी सास का उन्होंने पाल रखा है, उससे दीपशिखा बहुत डरती है बहुत ज़्यादा। वो है वो बहुत अच्छा, बहुत स्वीट है, काटता नहीं है, उसकी टेक केयर भी बहुत करते हैं। पर लेकिन हमारा निशांत ना किसी भी एनिमल से इतना कुछ खास डरता नहीं, दीपशिखा चिड़िया से भी डरती है। अगर हमारे घर के बाहर चिड़िया भी उड़ रही होगी ना तो वो घर से बाहर नहीं जाती, उसको इतना डर लगता है। काफ़ी डरती है वो स्टार्टिंग से, शुरू से ही उसको मतलब एनिमल्स का थोड़ा सा फोबिया टाइप है, वो डरती है। हमने काफ़ी कोशिश भी करी कि हम उसको मतलब जू वगैरह भी भेजते हैं, स्कूल की साइड से भी भेजते हैं, लेके भी जाते हैं, उसको मिलवाते भी हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक है डर। वो इन चीज़ों को लेके उसके माइंड में ना एक डर सा बैठा हुआ। फिर अब तो पहले से काफ़ी ठीक है, पर फिर भी वो थोड़ा डरती है। तो फ्रेंड्स बताओ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।